खबर गाजीपुर जिले के शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद क्षेत्रीय कस्बा दयालपुर में कोमल सीमेंट एजेंसी के मालिक कोमल यादव द्वारा क्षेत्र के तमाम गरीब असहाय मजलूमों को कड़कती ठंड को देखते हुए 500 कंबल का वितरण किया गया। आपको बता दें कि इस वृहद कंबल वितरण समारोह में मुख्य अतिथि भोजपुरी सिनेमा स्टार व आजमगढ़ लालगंज के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ तथा उनके भाई परवेश यादव एवं कृष्णा सुदामा इंस्टीट्यूट के प्रबंधक डॉक्टर विजय यादव एवं पूर्व चेयरमैन सदात राजनाथ यादव तथा क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोग उपस्थित रहे। दिनेश लाल यादव ने कोमल यादव को उत्साहित करते हुए कहा कि यह बहुत ही पुनीत कार्य है और समाज में ऐसा काम करने वाला बहुत ही उत्तम होता है। वहीं डॉक्टर विजय यादव ने भी संबोधित करते हुए कहा कि आपका कार्य सराहनीय है तथा कोमल यादव के पिता रामायण यादव ने बताया कि यह पुनीत कार्य जो कोमल यादव के द्वारा किया जा रहा है, मैं अति प्रसन्न हूँ। क्षेत्र से आए हुए गरीब और सहायक व्यक्तियों ने इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि हम लोगों को ठंड में कंबल मिला है, जिससे हम लोग अति प्रसन्न हैं। क्षेत्र के तमाम गरीब व्यक्तियों में हर साल कंबल वितरण करूंगा। यह कार्य मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। समस्त आगंतुक माताओं बहनों एवं हमारे अतिथिगण, जैसा कि कहा गया है हमारे प्राचीन सभ्यता में और आज भी है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, तो मैं सब लोगों को देवता मान करके सब लोगों के चरण में नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ। आज हर्ष की बात है कि कोमल जी के द्वारा ये कंबल वितरण का समारोह किया गया और हमारे यहाँ जैसा कि कहा गया है कि मनुष्य अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अकेले ही अपने कुकर्मों और सुकर्मों का फल भोगता है, लेकिन मृतकम शरीरम श्री के काष्ठ जो सो गया था विमुखा बांधवायाम की धर्म अनुगछित केवल। और बहुत शुभकामना हमारे बाप अपने कोमल भाई खातिर के, जितना नेक काम हर साल करन और सही समय पे, मतलब ठंडी आवे से पहले कंबल बांटे, तो बहुत बढ़िया काम है। हमारे सुभाष भाई लेकिन जो दूसरे खातिर भी करे वही का जीवन सफल होला और बहुत अच्छा लगा था आपके कि हमारे भाई कोमल सामाजिक कार्य में भी लगातार अच्छी बात बा। ये अपना परिचय दें। कोमल यादव, शादियाबाद, गाजीपुर। अच्छा, इस साल आपने कंबल वितरण का समारोह रखा था, यह कंबल वितरण किस कारणवश आप करते हैं? देखिए, अपने दिल में एक ऐसा ख्याल है कि ठंडे का समय है और ठंडे के समय में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनका पति मर गया है और जिनके लड़के नहीं हैं, कोई उनकी व्यवस्था नहीं है ठंडक में जीवन यापन करने के लिए, तो इसलिए मैंने कंबल वितरण कार्यक्रम हर साल करता हूँ। ये मेरा 4th सत्र है, तो गरीबों का भला हो इसलिए मैं ये कार्यक्रम करता हूँ। ये अनेक कार्य करने के बाद आपके और आपके परिवार के दिल में क्या उत्सुकता होती है? देखिए, जो भी अच्छा काम होता है उससे परिवार में परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। हमारा परिवार ही शुरू से ही संस्कारी है, जिससे हम लोग पले हैं, बढ़े हैं और वो संस्कार हम लोग में समाहित है, इसलिए अपने अंदर से ऐसा भाव आता है कि जो भी सार्वजनिक काम है जिससे समाज का भला हो सके ऐसा करने का मन में भाव रहता है। कंबल वितरण करने के पीछे किसका सहयोग रहा है आप? देखिए, कंबल वितरण करने में हमारे पिताजी का सहयोग रहा है, उनका संस्कार आपके साथ है जी।